न्यूज अलर्ट लाइव। अरे बड़े वाला प्लेबॉय निकला टीम इंडिया का ये क्रिकेटर। बीवी ने ही खोल दी पोल। भारतीय क्रिकेट टीम के धुरंधर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अब एक मुसीबत में फंस गए हैं। खास बात ये है कि ये मुसीबत बाहर से नहीं उनके घर में से ही उन पर आई है। जनाब की बीवी लाल पीली है। हो भी क्यों न, पति देव के कुछ खास किस्से जो हाथ लगे हैं। पत्नी हसीन जहां को शमी की कुछ पुरानी गर्लफ्रेंड और उनके बीच बातचीत के सबूत हाथ लगे हैं, जिन्हें लगे हाथ उन्होंने सार्वजनिक भी कर दिया है। खास बात ये है कि जनाब की गर्लफ्रेंड भी एक आध नहीं कई कई हैं। शमी की इसी चहलबाजी पर पत्नी हसीन जहां की लंबे समय से नजर थी, अब जब पानी सिर के पार हुआ तो उन्होंने खुलकर इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक न्यूज चैनल से बातचीत में हसीन जहां ने जो अपनी आपबीती सुनाई है उसके अनुसार वो लंबे समय से घरेलू हिंसा और मानसिक शोषण से जूझ रही है। एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में हसीन ने बताया कि पिछले 4 सालों से ही यह किस्सा चला आ रहा है। शमी के एक नहीं कई कई लड़कियों से संबंध है। शुरुआत में उसे लगा कि बड़ा खिलाड़ी है इसलिए लड़कियों के मैसेज वैसे जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब ये भी उनसे लगातार बात करने लगा तो मुझे शक हुआ। मैं घर आते ही उसका फोन चेक करती थी जिसमें दर्जनों लड़कियों से चैटिंग और अश्लील बातें होती थी। पत्नी के अनुसार उसने इसका विरोध किया तो उससे मारपीट की गई। पिछले 4 सालों से वो ये शोषण झेल रही है और अब बात बर्दाश्त से बाहर है। हसीन ने ये भी आरोप लगाया कि शमी ने कभी उसे पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। हसीन ने सोशल मीडिया में कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जिनमें शमी की कई अलग अलग लड़कियों से बातचीत है। अब बात ये है कि मासूम सी शक्ल सूरत वाले शमी को देखकर सहज ही ये अंदाजा लगा सकता हो कि वो इतने बड़े प्लेबॉय निकलेंगे। अब मामला सामने आया तो उन्होंने भी फेसबुक पर एक मासूम सी पोस्ट डालकर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये सब बातें झूठ हैं और कोई जानबूझकर उनकी गृहस्थी और करियर को खराब करना चाहता है। बहरहाल अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को अपनी बाउंस और स्विंग से झुलाने वाले शमी पत्नी की बाउंस पर खुद बैकफुट पर आ चुके हैं। देखते हैं इस कहानी का क्या अंजाम होता है। न्यूज अलर्ट लाइव सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।